अपना इडली में आप सभी का स्वागत है। अपना इडली में आज की रेसिपी है बरसात स्पेशल चाट। चाट के लिए हमें चाहिए एक कटोरी, छोटी कटोरी उबले हुए मटर, चार उबले आलू, एक प्याज, दो टमाटर कटे हुए, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पे गार्निशिंग के लिए एक खीरा ग्रेट किया हुआ, बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा हरा धनिया, दो हरी मिर्च, इमली जूस, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, दही, भुजिया, थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे और हींग। यहाँ पे पैन को हम प्री हीट के लिए रख दिए हैं। अब इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। इसमें थोड़ा सा हींग, ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज हल्का सौते करेंगे, ज्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन हट जाए, हाफ मिनट फ्राई करेंगे, ज्यादा नहीं। अब इसमें हम कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। दो तीन सेकेंड भूनने के बाद इसमें हम अपने सूखे मसाले डालेंगे। इसमें 1/4 हल्दी ऐड करेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, वन फोर धनिया पाउडर, 1/4 चिल्ली पाउडर, इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। जूस ऐड करेंगे, खट्टा अपने हिसाब से, जितना कम ज्यादा हो ऐड कीजिएगा। इसके बाद मटर ऐड कर देंगे, उबले हुए मटर, और इसको कवर कर देंगे हम 1 से 1.5 मिनट तक कवर करके पकने देंगे। जब तक हमारा मटर
पक रहा है तब तक हम पापड़ी के लिए डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए चाहिए हम 1 कटोरी मैदा, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल मिक्स करेंगे, 1/4 नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा 1 कप पानी है, पानी अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कीजिएगा। एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। ये हमारा डो बन चुका है, अब इसे हम 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे। तब तक हम अपना चाट का तैयारी कर लेते हैं। डो बिल्कुल ऐसा चाहिए सॉफ्ट, अब इसको 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे कवर करके। 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे, अच्छे से मिक्स आलू को अच्छे से हम मटर के साथ मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। बॉयल आने तक इसको हम खुले में पकाएंगे। यहाँ पे हमारा मटर आलू टमाटर चाट बिल्कुल रेडी है। अब हम पापड़ी का तैयारी कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। सारे लोई को हम पहले बेल लेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। लोई को पूरी के जैसे बेल लिए हैं, अब इसको हम फ्राई करेंगे। पर जैसे ही पूरी फूलेगा इसको हम फोर्क से ऐसे फोड़ देंगे। मटर ऐड करेंगे, जो हमारा मटर चाट बना है। इसके बाद हम अपना पापड़ी ऊपर से डालेंगे। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। प्याज बारीक कटा हुआ, कुकुम्बर ग्रेटेड, हरा धनिया, ग्रीन चिली, थोड़ा सा दही और ऐड करेंगे। अब
अब इसमें चाट मसाला और भुना हुआ जीरा, लास्ट में हम भुजिया ऐड करेंगे और फाइनली हमारा आज की हमारी पापड़ी चाट की रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आया तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।